हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एज़ाज़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से उनको पहली बीवी होने का शर्फ़ हासिल है। जहाँ वो पहली मोमिना हैं वहाँ वो पहली रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं। ये कोई छोटा एज़ाज़ नहीं है। और जब तक हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लम के निकाह में हैं और ज़िंदा रही हैं, इनकी ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। अपने से 15 साल बड़ी उम्र के साथ इस तरह निभा किया है कि आपने दूसरा निकाह तक नहीं फरमाया। नमी बात हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये वो खातून साहबिया हैं। हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हम ईमान वालों की वो माँ औरत है कि जिससे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और आगे औलाद चली है। गोया नबी पाक सल्लम की औलाद का सिलसिला जो क़्यामत तक चलेगा वह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से है। हज़रत खदीजा की बेटी जहरा, फिर जहरा से आगे औलाद चली है। नबी पाक सल्लम की सारी औलाद सिवाय एक बेटे इब्राहिम के हज़रत खदीजा से है, और आगे जो औलाद चली है वो भी खदीजा की औलाद से औलाद चली है, तो ये भी उनका एज़ाज़ है। और 10वीं बात, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये बहुत बड़ा एज़ाज़ हासिल है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब वो नबुव्वत के 11वें साल फ़ौत हुई हैं तो उनको कब्र के अंदर उतारा है। इससे बड़ा एज़ाज़ क्या हो सकता है कि ज़िंदगी भर कोई खातून नबुव्वत के रिकाब में रही हो, नबुव्वत के मकान में रही हो, नबुव्वत के बिस्तर पे नबुव्वत के साथ आराम किया हो, और आखिरी वक़्त जब कब्र में आरामगाह के लिए गई हूँ तो उसी शोहर के हाथों, नबुव्वत के हाथों वो कब्र के अंदर उतरें, ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है। अल्लाह उनसे राज़ी है, अल्लाह मज़ीद उनके दर्जात बुलंद फरमाए। क़ुरबानियाँ अल्लाह ने कबूल फरमाई हैं, अल्लाह उस पर मज़ीद उनको इनामात जन्नत के अता फरमाए। La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah।